देखिए शिव की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो दिल से ना, जितने साफ शिव हैं शायद घर में और कोई कंटेस्टेंट नहीं होगा। जब मैं एंटर भी कर रहा था तो उधर मेरे को कोई भी नहीं जानता, तो शिव वॉज द फर्स्ट पर्सन, शिव एक ऐसे पहले इंसान थे जो खड़े हुए मेरे लिए। और जब मैंने इंटरेक्ट किया और जो उनका ऑरा है वो बहुत ही पॉजिटिव है, मतलब लोगों के बारे में किसी भी तरह की नेगेटिविटी वो नहीं रखते, जो कि सब देख पाते हैं शो में। और शिव का जो करियर है, जैसे कि मैंने प्रिडिक्ट किया और मैंने उन्हें बोला है कि टॉप फोर में वो अवश्य दिखते हैं मुझे, और कल सलमान सर ने भी मुझसे पूछा था कि अगर विनर आपको कौन दिख रहे हैं, तो मैंने उन्हें ये बोला कि मेरे पास सबका हॉरोस्कोप नहीं है, मेरा जो असली काम है वो है हॉरोस्कोप देखना, जो फेस रीडिंग है डैट इज़ द 20% ऑफ द होल थिंग डैट आई डू। तो फेस रीडिंग की अपने में खुद कुछ कमियां हैं, फेस रीडिंग इतनी सक्षम नहीं है कि पूरा प्रिसीजन से हम बता पाए, इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप प्रिडिक्शन की बात करो कि कौन जीत रहा है सिर्फ फेस रीडिंग से, तो मैं कहूँगा 51% जो है वो प्रियंका के चांसेस हैं, 49% जो है वो शिव के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप मेरे फेवरेट्स की बात करो तो मैं चाहता हूँ कि शिव ये शो जीते। और शिव में एक और चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिखी थी जो मैंने प्रिडिक्ट भी किया था, 2024 से पहले आप उन्हें बहुत जल्दी बॉलीवुड नहीं अगर तो एक मराठी मूवी में तो ज़रूर देखोगे। जी, और साथ ही हम बात करें सिंगुल की, जी तो उनका भी आप फ्यूचर देखे थे, और आपको सिंगुल का गेम कैसे लगा, मतलब किस तरह से घर के अंदर? देखिए सिंगुल जो है वो सबसे यंग कंटेस्टेंट है अभी जो घर के अंदर है, देखिए सिंगुल जो है अभी तक जितने भी कंटेस्टेंट रह गए हैं उनमें से सबसे यंग है। उनके बारे में मैंने काफ़ी कुछ अंदर बोला था कि अगर देखा जाए कि उनके पास्ट हिस्ट्री अगर देखी जाए, टटोली जाए, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे हैं और डाउन्स ज़्यादा देखे हैं, इसलिए वो इमोशनली थोड़े से शेकन है। तो मैंने उन्हें बताया था अगर इमोशनल स्टेबिलिटी, इसी वजह से वो दूसरों में मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं, वो मिक्सअप होना गेम के लिए नहीं है ये मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन सब दर्शकों को यही लगता है कि सिंगुल गेम के लिए सबसे मिक्सअप होती है, अपना फ़ायदा देखती है, लेकिन वो गेम के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो बस अपने आप को बिजी रखना चाहती है, अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहती है घर वालों के साथ, गेम के लिए नहीं, ठीक है? क्योंकि अगर वो फ्री रहे या अकेली रहे तो वही स्ट्रेस जो उससे पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड है, और वही स्ट्रेस जो घर वालों के से रिलेटेड भी है, जैसे उनके डैड के साथ जो इंसिडेंट्स हुआ जो काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं आया, जो फ़ोन कॉल की बात थी, तो ये सब चीज़ें भी उन्हें हॉन्ट करती रही हैं, और यही कारण है कि वो शो में भी उतना अपना जो चुलबुलापन है वो दिखा नहीं पाई। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, आगे फ्यूचर उनका बहुत सही है। इमोशनल टर्मोइल के लिए मैंने उन्हें काफ़ी सजेशंस दिए हैं जो आपने शो में देखी होंगी।